कि कार का कलर, जैसे रेड कलर की है तो आप रेड टच कर लो, येलो करना है तो आप येलो कर सकते हो, वाइट भी और सिल्वर, ये चार कलर के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जैसे मैं येलो करूँगा तो कार अब येलो दिखेगी, और ये आगे और पीछे जाने के लिए आपको ऐसे राइट और लेफ्ट, और अगर टच करना है तो अंदर जाना है, ठीक है? रुको जरा, सबर करो। आज की वीडियो काफ़ी ही स्पेशल रहने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं बैठा हूँ बिल्कुल ब्रांड न्यू एक्सेल 6 के अंदर, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका जो MID है, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी बढ़िया वीडियो और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है ये वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे AC को थोड़ा स्लो कर लेते हैं। ओके ग्रेट, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने, ये है इस कार का MID, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें तो देखने को मिलेंगी जो सारे लोग ही बताते हैं, पर मेन जो फीचर है वो इसके अंदर छुपा हुआ है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं कि लाइक स्मार्ट हाइब्रिड है तो क्या क्या चीज़ें हैं, और ये वाला जो बटन है इस साइड, इसको दबाने से नीचे आप देख पा रहे हैं इस जगह पर ट्रिप ऑडोमीटर, जैसे 272 किलोमीटर, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है और 272 किलोमीटर ये चली हुई है, तो ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। और यहाँ से आपको सारा एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, क्लॉक हो गया, मोशन हो गया, जी सेंसर, पावर मीटर, टॉर्क मीटर वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। अब अगर आप इस बटन को दबा के रखते हैं तो ये आ गया आपका मेन चीज़, डिस्टेंस यूनिट आ गई आपकी कि किलोमीटर में रखना है कि माइल्स में रखना है, तो आपका चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। फ्यूल इकोनॉमी आ गई यहाँ पर कि किलोमीटर पर लीटर रखनी है, MPG रखनी है, मतलब UK वाला, और लीटर पर 100 किलोमीटर, ये USA वाला सिस्टम हो गया। तो हर चीज़ का मतलब मारुति ने ध्यान रखा है हर कंट्री के हिसाब से। लैंग्वेज होगी यहाँ से, आप फ्रेंच स्पेनिश वगैरह रख सकते हैं। फ्यूल रीसेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखना है कि डिग्री फारेनहाइट में रखना है, आप यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हैं। सेट सेंसर्स, नॉर्मल मोड, ट्रेलर मोड, मतलब जब कार डिलीवर हो रही होती है फैक्ट्री से लेकर डीलरशिप तक। डोर लॉक में आपको ये देखना है कि डोर अनलॉक जो है वो ओल्ड डोर्स हों कि ड्राइवर डोर हो, मतलब मारुति में फीचर होता है ना कि एक बार अगर आप अनलॉक करोगे तो सिर्फ ड्राइवर डोर ओपन होगा, और दूसरी बार करोगे तो बाकी डोर भी ओपन हो जाएंगे। तो इस फीचर को ऑन करने से, ओल्ड डोर पे करने से, आपके एक ही बार में सारे डोर अनलॉक हो जाएंगे ईजिली। देन ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक का है कि आपको मैनुअल लॉक करना है तो ऑटो लॉक आपका ऑफ हो जाएगा, तो आप स्पीड के हिसाब से, मतलब कि जैसे स्पीड 20 के ऊपर जाएगी तो लॉक हो जाएगी कार। और ऑटो अनलॉक भी दो ऑप्शन है, इग्निशन ऑफ वाला कि जैसे ही आप गाड़ी को बंद करोगे आपकी अनलॉक भी अपने आप हो जाएगी, और एक है सिंक्रो ऑफ कि लॉक तो अपने आप होगी पर ऑटो अनलॉक आपका ऑफ हो जाएगा, मतलब अनलॉक करते टाइम आपको खुद अनलॉक करनी पड़ेगी। पर इस फीचर को ऑन करने से जैसे आप गाड़ी को बंद करोगे तो आपकी जो लॉक्ड गाड़ी है वो अपने आप अनलॉक हो जाएगी। तो अभी बैक चलते हैं, तो अभी हम अलार्म भी है इस गाड़ी में उसे ऑन करना की ऑफ, तो अगर इसे आप ऑफ कर लोगे तो गाड़ी लॉक और अनलॉक करने पे आवाज़ नहीं करेगी, वो आवाज़ काफ़ी मतलब गंदी भी लगती है, अच्छी नहीं है वो आवाज़ बिल्कुल भी। ओह ग्रेट, देन डोर लॉक के बाद आपका आ गया लाइट्स। लाइट्स में जो फुट लाइट है अपनी नई वाली जो ये XL6 है, इसमें आपको नीचे की तरफ मूड लाइटिंग देखने को मिलती है येलो येलो कलर की फ्रंट में दोनों साइड, तो उसे फुट लाइट ये बोलते हैं। तो उन्हें आप हमेशा मतलब जब हेडलाइट ऑन होंगी तब ऑन करनी है कि या सिर्फ दरवाज़ा खुलेगा तभी ऑन हो, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो, और परमानेंटली ऑफ भी आप उन्हें कर सकते हो। देन लेन चेंज इंडिकेटर हो गया आपका। ओके बैक जाते हैं। गाइड मी लाइट, मतलब जब कार को लॉक या अनलॉक करो, और हेडलाइट अगर ऑटो के ऊपर सेट है आपकी तो लॉक अनलॉक करने पर फॉलो मी होम वाला फीचर जो होता है ना, लीड मी टू द व्हीकल और फॉलो मी होम वाला, लीड मी टू दी व्हीकल वाला फीचर, मतलब जब हम इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं और कार की हेडलाइट अगर ऑटो पे सेट हुई पड़ी है, तो जैसे आप अनलॉक करेंगे इस गाड़ी को तो आपकी हेडलाइट लो बीम के ऊपर ऑन हो जाएगी DRL के साथ, और ये आपको रास्ता दिखाएगी कि आप अपनी कार को ढूंढ सकें, और अंदर की सारी कैबिन लाइटें यहाँ पर ऑन हो जाएंगी, वो चीज़ काम करेगी। देन एंटी थेफ्ट हो गया,
कि अगर कोई आपकी कार के आके तंग करेगा, छेड़ेगा या उसको चोरी करने की कोशिश करेगा तो सायरन बज जाएगा गाड़ी में। फिर एसी के आगे कंट्रोल, कि जब गाड़ी खड़ी है, जैसे अभी खड़ी कार है और मैंने स्टार्ट करी हुई और एसी ऑन किया हुआ है तो अभी कंफर्ट पे है, मतलब पूरा पूरा पेट्रोल पी रही है गाड़ी मज़े से। पर अगर आपको एवरेज निकालनी है और आपको गाड़ी भी स्टार्ट करके रखनी है और खड़ी करनी है तो इसे इकोनॉमी पे सेट कर दो। तो इससे एसी बार बार कट मारेगा, कंप्रेशर अपनी आधी पावर पे चलेगा तो कम पेट्रोल पिएगा। तो ये अच्छा फीचर है, सारी कंपनीज को देना चाहिए। देन नेक्स्ट चीज़ है आपकी यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके यहाँ पे मतलब यूनिट है कि आपको टायरों की जो हवा है वो किस यूनिट में दिखे वो दिखेगा आपको। डिस्प्ले आइटम है कि कार का कलर, जैसे रेड कलर की है तो आप रेड टच कर लो, येलो करना है तो आप येलो कर सकते हो, वाइट भी और सिल्वर, ये चार कलर के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जैसे मैं येलो करूँगा तो कार अब येलो दिखेगी। तो अब देखिए जैसे मैं दरवाज़ा खोलूँगा यहाँ पे तो अब जो गाड़ी है वो येलो कलर की आ रही है और जबकि पहले वो रेड कलर की आ रही थी। एंटी थेफ्ट हो गया, एसी हो गया, टीपीएमएस हो गया, डिस्प्ले आइटम हो गया। देन इको लाइटिंग आ गई आपकी, थ्री कलर लाइट, ब्लू ऑलवेज। तो यहाँ पे ये जो लाइट है ना ये ऊपर ब्लू कलर की है, तो यहाँ पे तीन कलर हैं, एक ब्लू है, एक ब्लू और ग्रीन के बीच वाला, और एक प्रॉपर ग्रीन कलर है। जब आपकी गाड़ी बढ़िया एवरेज दे रही है तो ग्रीन कलर की ऑन हो जाती है। अब क्योंकि कार का इंटीरियर ब्लूइश में है जो मीटर, तो कई लोगों को वो ग्रीन लाइट अच्छी नहीं लगती तो वो ब्लू ऑलवेज पे टच कर सकते हैं। अगर मैं ब्लू ऑलवेज कर दूंगा तो हमेशा ब्लू ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। पर हालांकि मैं ऐसे थ्री कलर पे ही रहने देता हूँ, अच्छा लगता है लाइटें चेंज होती हैं। तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट है, देन ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो अब हम बैक जा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से ब्राइटनेस है इसकी MID की, जैसे अभी आप देख रहे हैं। एक बार मैं दबा के जब ऐसे करूँगा ना राइट और लेफ्ट, तो ये ब्राइटनेस वगैरह आप देख रहे हैं कि कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी अब, इसी के साथ इसकी ब्राइटनेस भी चेंज होती है। तो यही था इस कार का पूरा MID XL6। काफ़ी बढ़िया गाड़ी और काफ़ी बढ़िया फीचर कंपनी ने यहाँ पे स्मार्ट फीचर प्रोवाइड करे, और ये काफ़ी वैसी चीज़ें भी है जो लोगों को काफ़ी क्वेरी रहती हैं कि यार ये डिग्री सेल्सियस में, जैसे टेम्परेचर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 31 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अब शुरू में जब कार आती है ना तो बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी डिग्री फारेनहाइट में होता है, तो 31 की जगह ये दिखाएगा 96, 97। अब इंडिया में हम लोगों को वो समझ नहीं आती चीज़ कि 97, 98 क्या, क्योंकि हम लोग उसे फीवर के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ है थोड़ी सी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टाटा बाय बाय।